फांसीवाद विरोधी मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय राज्य का चरित्र आपातकाल से फांसीवाद तक विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन कचहरी गोरखपुर के अधिवक्ता सभागार में किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी व दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर शमसुल इस्लाम मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। आलीशान महल मुस्काए रोए छप्पर छानी, कहाँ है भगवान, झूठा है भगवान, इंसानी सारी दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान, अपने हाथ में दम है इतना, अपने हाथ में दम है इतना, बांध फैक्ट्री सड़क अटारी, बांध फैक्ट्री सड़क अटारी, सब कुछ हमसे मगर गैर का हक पर चले कटारी, उठाओ तूफान, उठाओ तूफान, उलट दो सारी दुनिया ना देखो आसमान, पलट दो सारी दुनिया ना देखो आसमान। और ये दो आखिरी गाने गीत की आप हमारे साथ गाएं, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगड़ाई लेती है धरती उठी है, धरती उठी है, अंगड़ाई लेती है धरती उठी है, सदियों की ठुकराई मिट्टी उठी है, टूटे हो टूटे गुलामी के बंधन हजार, टूटे हो टूटे गुलामी के बंधन हजार, जागा रे जागा रे जागा सारा संसार, आया जमाना हो अपना जमाना, अपना जमाना, आया जमाना हो अपना जमाना, अपना जमाना, किस्मत का ये रोना गाना पुराना, गाना पुराना, बदलेंगे हम अपने जीवन की नदिया की धार, बदलेंगे हम अपने जीवन की नदिया की धार, जागा रे जागा रे जागा सारा संसार, हर भूखा कहता है यूं ना मरूंगा, यूं ना मरूंगा, भूखा ये कहता है मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं जाके मालिक को नंगा करूंगा, मैं जाके मालिक को नंगा करूंगा, ढह दूंगा दुखियारी लाशों पे उठती दीवार, जागा रे जागा रे जागा सारा संसार, जागा रे जागा रे जागा सारा संसार। या मजदूरों किसानों के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का जो राज्य है, जो आधुनिक राज्य है, जब से हम कह सकते हैं कि भारत एक देश है, जो 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ डायरेक्ट उपनिवेश के बाद, उस देश में जनता के लिए तो फासिस्ट व्यवहार इस राज्य ने हमेशा किया है। हम लोग को एक ऐसे मोर्चा की जरूरत होती है, क्योंकि जब ऐसा माहौल आ जाता है, जब लोकतांत्रिक अधिकार जो कमोबेश संविधान में दर्ज थे कुछ हद तक मिले हुए थे, कम से कम शहरी मध्यम वर्ग को कुछ हद तक मिला हुआ था, उस पर भी जब अटैक होने लगा है तो जरूर ये कार्यभार बना कि सभी तरह के जो जलवादी लोग हैं, जो जलवाद पसंद लोग हैं, जो समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं या क्रांति करना चाहते हैं या किसी न किसी लेवल पर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए एक बाध्यता बनती है कि वो लोग एक मंच पर आए, एक मोर्चा बनाएं